चलो 2 मिनट रुक जाओ, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्राइस ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, ठीक है ना। अब सुन, जब हम लोग यूरोप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को, जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी खोलेंगे तो हम लोग को एक पेंटिंग दिखेगी, ठीक है ना। वो पेंटिंग किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सॉरी ने बनाई थी। ये कौन था? ये फ्रेंच आर्टिस्ट था जो किसके लिए प्रिंट बनाता था? सोशल रिपब्लिक, या रादर बोले डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स के लिए। ठीक है ना, तो 1948 में बनी थी ये पेंटिंग, ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है ना। और इसने पेंटिंग में क्या दिखाया था कि एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। आई बात समझ में? डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। सोशलिस्ट कंट्रीज कौन सी होती है? सोशलिस्ट कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जहां पे कंट्री का प्राइमरी एम क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि कंट्री में जो भी पैसा कमाएगा, कोई भी कमाए, चाहे वो कोई बिजनेसमैन कमा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कमा रही है, वो इवेंचुअली कहाँ यूज होगा? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और रिपब्लिक मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जहां पर जो हेड होता है वो एक हेरिडिटरी रूलर नहीं होता, बट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लियर है? 19th सेंचुरी हम लोग देखेंगे तो पूरी दुनिया में हर जगह क्या हो रहा था? किसी ना किसी तरह की, कोई ना कोई तरह की रेवोल्यूशन हो रही थी, ठीक है। तो इंटायर 19th सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब मुद्दा आता है कि नेशनलिज्म 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 का मतलब क्या होता है? तो नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस। क्या होता है? फीलिंग ऑफ वननेस। अभी तुमको आएगी 1 महीने बाद, 15 अगस्त पे, ठीक है ना। फीलिंग ऑफ वननेस मतलब क्या होता है? याद करो, मैंने उस टाइम भी तुम लोग को बताया था, नहीं वो रोमांटिसिज्म होता है। देखो, देशभक्ति इज रोमांटिसिज्म। फीलिंग ऑफ वननेस या नेशनलिज्म मतलब होता है मैं और मेरा देश एक है, हम सब लोग क्या डिवोशन टू आवर कंट्रीज, ठीक है ना। कंट्री हम लोग जो भी करेंगे हमारे देश के लिए करेंगे, और कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्या हो, ओवरऑल हर नेशन में बनने का क्या हो, बेनिफिट हो। आई बात समझ में? नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट एक ऐसा नेशन होता है जो अपने आप को एक सेपरेट पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल एंटिटी घोषित करता है। यानी कि हम लोग क्या है, हमारा एक ज्योग्राफिक बाउंड्री, इस ज्योग्राफिक बाउंड्री के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी। हम अपने आप में एक कंप्लीट और सोवरेन टेरिटरी। सोवरेन मतलब क्या होता है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स पे सिर्फ हमारी डिसीजन मेकिंग रहेगी। कोई भी एक्सटर्नल नेशन या कोई भी एक्सटर्नल पार्टी हमारे नेशन के किसी भी तरीके की कोई भी अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी। हमें किसी के साथ ट्रीटी साइन करना है कि नहीं करना है, ये हम डिसाइड करेंगे, वो भी दूसरा देश नहीं बताएगा। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा ही क्या होता है? मॉडर्न स्टेट होता है इन विच सोवरेनिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड पावर ओवर अ स्पेसिफिक टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। अगेन, जैसे इंडिया क्या है? एक सोवरेन कंट्री, इट्स अ मॉडर्न स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ एक सेंट्रलाइज्ड पावर एग्जिस्ट करता है, और ये सेंट्रलाइज्ड पावर ही हमारे देश की पॉपुलेशन को पूरी तरीके से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जब बता दी, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है? एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर क्या होता है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, ठीक है ना। हाँ, मोनार्की जैसा होता है, पर इसमें डिक्टेटरशिप भी इंक्लूडेड रहती है, ठीक है ना। डिक्टेटरशिप क्यों इंक्लूडेड रहती है? क्योंकि एक ही बंदे का कंट्रोल रहता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर रहता है, हिटलर टाइप का डिक्टेटरशिप, ठीक है। मोनार्की भी इसी में कवर होती है, और ऑटोक्रेसी भी इसी में कवर होती है। देखो, ये 3 टर्म्स, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, हियर एंड देयर तीनों में 1 पर्सन रूल रहता है क्या? हाँ, ये जो 1 पर्सन रूल रहता है, इसके पास अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी होती है। व्हेन आई से अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। इज दैट क्लियर? आगे जाए, बोलो कोई परेशानी। यूरोप में जब कुछ भी होता है तो सबसे पहला पायनियर उसमें कौन होता है? फ्रांस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, क्या हुआ था। अब अगेन फ्लैशबैक में जाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा, 9th क्लास में तुम लोगों ने पूरी कहानी पढ़ी थी, दिखाई देती हूँ।
ये तुम्हारे 9th क्लास के फ्रेंड्स रिवोल्यूशन के नोट्स याद करो. फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है ना. फिर 1789 में पहला रिवोल्यूशन हुआ था वेयर इन एस्टेट जर्नल को हटाकर नेशनल असेंबली आई थी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. व्हेन आई से अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब अब किसका रूल था, राजा का तो रूल था, लेकिन अब राजा के पास अनलिमिटेड पावर न हो के लिमिटेड पावर थे. और उसकी पावर को लिमिट किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक थी, इसने बोला राजा के पास इतने पावर होंगे, इतने पावर नहीं होंगे. आई बात समझ में. फिर क्या हुआ, लोग अगेन इस गवर्नमेंट से क्या हुए, डिससैटिस्फाइड हुए. सो गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट से फिर से डिससैटिस्फाइड हुए. क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट थी ये किस पे ध्यान दे रही थी, रिच और प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना. क्यूबा वॉज इन रशिया, अभी अपन फ्रांस में, ठीक है ना. फिर आई कन्वेंशन, ये गरीब लोगों का ही ध्यान रखती थी, ये इक्वालिटी ऑल फॉर्म्स ऑफ मैनर में प्रैक्टिस करना चाहती थी. ये कब आई थी, 1793, और कब गई थी, 1794, ठीक है ना. तो यहाँ पर इनका रूल क्या हो गया था, खत्म हो गया था, क्योंकि इतने एक्सट्रीम लेवल पे इक्वालिटी प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं था. इसलिए रोबस्पियर की गवर्नमेंट थी, इसके ही सब्जेक्ट्स ने इसको बाद में गुल्डन कर दिया, ठीक है ना. फिर क्या हुआ, फ्रांस के लोगों को रियलाइज हुआ जब हम लोग एक बंदे के हाथ में पावर देते तो वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक इशू होती है. इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टिव रूल ऑफ फ्रांस बनाएंगे जिसमें 5 डायरेक्टर्स रहेंगे. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये 5 डायरेक्टर्स आपस में क्या करते थे, क्योंकि ये 5 डायरेक्टर्स आपस में ही लड़ने लग जाते थे तो लगा ये तो काम की नहीं है. बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने की वजह से फिर पावर में कौन आया, नेपोलियन. आ रही है क्या बात समझ में. अब आ जाओ घर पे 10th पे, ठीक है. वही कहानी वो लोग वापस बोल रहे हैं. फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की किंग लुई 16 के अंडर 1789 रिवॉल्यूशन में आए तो पावर राजा से किस पे ट्रांसफर हो गया, आप लोगों के पास धीरे धीरे करके हो ही गया था, ठीक है ना. आइडियाज ऑफ फादरहुड और सिटीजंस वर अडॉप्टेड, मतलब क्या हुआ कि देश हमारा पिता है, ठीक है ना, हम सारे इक्वल है, इक्वालिटी प्रैक्टिस होगी. इसलिए अब कोई सर बैडल ना होकर हर कोई क्या होगा, सिटीजन होगा, ठीक है. नया फ्रेंच फ्लैग बना ट्राई कलर, और जो पुराना फ्रेंच फ्लैग था कौन सा, रॉयल स्टैंडर्ड, उसको हटा दिया गया. नेक्स्ट, एस्टेट जर्नल जो थी उसको हटा के उसकी जगह कौन आई, नेशनल असेंबली आई, ठीक है ना. और एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है ना. अब क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, मतलब क्या, जब आप फ्रांस में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहे हो तो अगर आपको जा रहे हो तो किसी भी तरह का कोई भी ड्यूटी आपको नहीं जरूरत है. यूनिफॉर्म, पूरे फ्रांस में सारे रेट्स और मेजर्स कैसे रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ठीक है. फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली. अब हमारा धर्म, हम बन गए ना, हमने राजा को पावर से हटाए, अब हम हमारे आस पास के सारे देशों में से राजा को हटाएंगे. आ रही बात समझ में, ठीक है. तो क्या हुआ, अब हमने 9th में कहां तक पढ़ लिया था कि नेपोलियन ने आ गया था पावर में, फिर वहां तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया था खत्म. अब उसके आगे कहानी, नेपोलियन पावर में आया 1769 में, वो पैदा हुआ 1799 में. उसने एब्सोल्यूट पावर्स अपने हाथ में ले ली थी और फ्रांस का फर्स्ट कंसल बन गया था, मतलब उसकी ही चले गए, ठीक है ना. और ये अपने आप में क्या लेकर आया, सिविल कोड, या फिर नेपोलियनिक कोड, जिसने क्या एस्टैब्लिश किया, पहला इक्वालिटी फॉर लॉ, ठीक है ना. अबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन, मतलब आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप नोबल हो, आप क्लर्जी हो, आप प्रोटेस्टेंट बिलोंग करते हो, ऑल आर इक्वल. ग्रांटेड राइट टू प्रॉपर्टी, आपको अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे हैं खरीदो, ओनरशिप लो, ठीक है ना. सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम्स. फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, एक लैंडलॉर्ड है, उसके पास खुद का ही लैंड है, एक फार्मर है, उसको उसके लैंड पे अगर कल्टिवेट करना है तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा. बोला हटाओ, जिसके पास जो है वो अपने हिसाब से करे, कोई कंपल्सरी रेंट पेमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. और सर्वडम, जो फोर्स्ड लेबर से सफर करते फ्रीडम, उनको भी क्या कर दिया, फ्री कर दिया. आई बात समझ में. रिमूव्ड गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस. गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है, अगर ये जैसे चारों है, मेहा से लेके हमारी ईशा तक, ये चारों क्या है, कॉम्पिटिटर्स है मार्केट, ठीक है ना. चारों की दुकान खुली हुई है, किसकी,
जूतों की, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या होगा ना, सुनो, ये लोग चाहते हैं, ये लोग ऐसे तो कॉम्पिटिटर्स है, पर ये भी इंश्योर करते हैं कि मार्केट में पांचवा बंदा ना है, ठीक है ना, ये बिल्कुल इंश्योर करते हैं। ये अपने कुछ फ्री में भी बेच देंगे लेकिन पांचवा बंदे को मार्केट में एंट्री नहीं करने देंगे। गिल्ड्स वर लीगल, इलीगल कब तक, जब तक नेपोलियन नहीं आया। इसने बोला बनाओ गिल्ड्स, आपको लगता है कि गिल्ड्स बनाने से अगर आपके बिजनेस में आपको फायदा हो रहा है तो आप बना लो। ये सिर्फ कॉम्पिटिशन ही लोग करते, ये परचेसर से बायर से भी, जब ये लोग क्या करते इकट्ठे कोई सामान लेने जाते थे, रॉ मटेरियल लेने जाते थे, तो ये साथ में जाते थे, क्यों, ताकि इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए और उसका बार्गेनिंग पावर कम हो जाए। ये लेबर के साथ भी इकट्ठे डील कर देते ताकि लेबर कभी भी इनके अपोजिशन में ना आ पाए। दीज वर गिल्ड्स। तुमको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो इसको बहुत सही तरीके से बढ़ाती है, इसको शॉर्ट में निपटा दे, ठीक है ना। तो ये क्या थी, गिल्ड्स थी। तो गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शन भी इसने क्या कर दी, हटा दी। मतलब कुल मिला के ट्रांसपोर्टर कम्युनिकेशन भी क्या करा इसने, इम्प्रूव करा। नेपोलियन वॉज अ गुड रूलर, बट तीन परेशानियां थी नेपोलियन के साथ। पहला, ऑप्रेसर ऑफ द पीपल। क्यों ऑप्रेसर, क्योंकि लोगों पे अत्याचार करता था। किन लोगों पे, जहां पर इसने टेरिटरी कॉन्कर करी, इसको लगता था मैं फ्रांस की क्या लगू, टेरिटरी बढ़ा देता हूं, बढ़ा देता हूं, बढ़ा देता हूं। In such a situation, अगर इसको फ्रांस की टेरिटरी बढ़ानी थी तो जिस टेरिटरी पे ये क्या करता था, राज करता था, वहां के लोगों को क्या करता था। अब आते हैं हम लोग कहते तीन जगहों पर तीन रीजंस की वजह से नेपोलियन लोगों को नहीं जमा। पहला तो मैं तुम लोग को बता दिया, he was a oppressor, किसके लिए, अपने देश के लोगों के लिए नहीं, for the people of the conquered territory, जैसे ब्रिटिशर्स वर ऑपरेसर्स, खुद के नेशन के लिए नहीं, हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, एंजल फोन छोड़ दे राजा, ठीक है। दूसरा, सेंसरशिप मतलब क्या, कि आपको कुछ भी पब्लिश करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, आपको गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। गवर्नमेंट कौन था, नेपोलियन। तो आप बिना उसके पूछे ना मूवीज बना सकते हो, ना प्लेस बना सकते हो, ना रोड रेडियो में उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, बनती थी ना। हाँ, इतना नहीं भेजी। और तीसरा था टैक्सेशन। सारा ग्रोथ किया, सारा डेवलपमेंट किया, पर पैसा तो देना पड़ेगा, क्यों। अच्छा, एट टाइम्स इट्स नॉट रॉन्ग, आज अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की कमाइयां भी बढ़ रही है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और साथ में आपकी अर्निंग्स भी बढ़ रही है तो कोई परेशानी नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, इट्स अ साइन ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एग्जैक्टली, आपके अच्छे रोड्स बन रहे हैं, अच्छे ब्रिजेस बन रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, व्हाई नॉट। बट हां, व्हेन टैक्सेस आर इंक्रीजिंग बट द इनकम्स आर नॉट इंक्रीजिंग, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो नेपोलियन इन तीन जगहों पर क्या था, गलत था, ठीक है। लेकिन पर्सनली लोगों को कहां प्रॉब्लम थी, लोगों को प्रॉब्लम थी कि वो दूसरे देशों पर क्या कर रहा था, राज कर रहा था। और जब वो दूसरे देशों पर राज कर रहा था तो ऐसे में आर्मी में रिक्रूटमेंट भी क्या था, फोर्स्ड। तो पीपल वर नॉट हैप्पी अबाउट फोर्स्ड रिक्रूटमेंट टू आर्मी, और वो भी अनएजुकेटेड। तो बोला पढ़ाई नहीं करी तो गोली मारने आ गए, आर्य के बाद तुम लोग पढ़ लेना, कभी हमारे देश की गवर्नमेंट तुम्हारे साथ ऐसा कर दे तो पढ़ लिख लेना, पढ़ाई बहुत जरूरी है, नहीं तो आर्मी में जाना पड़ेगा, गोली खाओगे। चलो अब आते हैं यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी। यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशन नहीं हुआ करता था, सब स्टेट हुआ करता था। स्टेट मतलब क्या, ये स्टेट का राजा मैं, उस स्टेट का राजा बी, इस स्टेट का राजा सी। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड सब क्या करेंगे, लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, क्योंकि उनको दूसरे के देश की टेरिटरी क्या करनी है, अपने अंडर करनी। हाँ, एक कॉमन चीज थी, दो क्लासेस है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर को हम लोग कहते थे एरिस्टोक्रेसी, क्या कहते थे, एरिस्टोक्रेसी, स्टार टाइप के लोग, ठीक है ना। स्टार टाइप के लोग क्यों, क्योंकि ये लैंड ओनिंग क्लास होती थी, इनके पास बहुत सारा पैसा होता था, ये फ्रेंच में ही बात करते थे, हाँ तू तू इसी से जानता चला, ठीक है ना, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी की जो फैमिलीज होती थी, ये भी टाइड अप होती थी बाय मैरिज, कि एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी से ही शादी करेगी, एरिस्टोक्रेसी वाली ड्राइवर के साथ नहीं भागते जाएगी, आ रही है बात समझ में। दूसरे कौन थे, पीजेंट्स। पीजेंट्स क्या होते थे, जिनके पास लैंड नहीं होती थी, ठीक है ना, ये एज सर्व्स काम करते थे, मतलब एज लेबरर्स काम करते थे ऑन द लैंड्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी।
एल्स्टो क्रेसी के पास बहुत सारा लैंड थे, तो उनके लैंड पे कौन काम करते थे? पीजेंट्स। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन अभी तक बस यही दो लोग थे। अब एक तीसरी क्लास आई जिसको हम लोगों ने कहा मिडिल क्लास। ये लोग कौन थे? जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि करके, अपने स्किल्स यूज करके क्या किया था? पैसा कमाया था। दीज वर बिजनेसमैन, ठीक है ना, जिन्होंने इंटरनेशनल इंटरनल सारे तरह के ट्रेड करके वूलन और कॉटन टेक्सटाइल्स सॉरी सिल्क टेक्सटाइल्स बेच कर क्या करा था? खूब सारा पैसा अर्न किया। और बाकी लोग पढ़े लिखे थे क्योंकि ये एजुकेटेड थे, क्योंकि ये कॉन्शियस थे, क्योंकि इनकी सोच लिबरल लिबरल मतलब खुली हुई, हाँ मिडिल क्लास एजुकेटेड थे। तो इनको लगा कि सोसाइटी में ये जो डिविजन है, इस तरह का डिविजन नहीं होना चाहिए। कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो प्रिविलेज मिल रही है जस्ट ऑन बर्थ, ये प्रिविलेजेस हटा देनी चाहिए। और ये लोग कंसेप्ट लाए थे किसका? लिबरल नेशनलिज्म का। जब हम लोग इनकी सोच की बात करते हैं तो इनके हिसाब से लिबरल नेशनलिज्म क्या था? इंडिविजुअल रूल, मतलब जिसको जो करना करे, देश की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या एरिस्टोक्रेसी है तो आप ये करो, आप रीजन से तो आप ये करो, आपको बिजनेस करना है आपको फ्रीली बिजनेस करने देना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इररिस्पेक्टिव आप कौन सी क्लास को बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो, कोई कभी भी ये नहीं कहेगा कि सेम रूल्स फॉर एवरीबॉडी। थर्ड, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट देश के लोगों को गवर्न करने के लिए बनती, इसलिए गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो देश के लोगों से पूछ कर करेगी। यानी कि एवरी एक्ट दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग शुड हैव क्या? कंसेंट बाय द पीपल। आई बात समझ में? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स को बड़ा तीन मीनिंग होते हैं। वन, आपको जहां बेचना है वहां बेचो, यानी कि देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टू, जितने बेचना है उतने बेचो, यानी कि गवर्नमेंट वुड नॉट कंट्रोल ऑन हाउ मच क्या एंड व्हाट प्राइस यू आर सेलिंग। थर्ड, जितना बेचना है उतना बेचो। आपको लगता है कि मेरे को ये देश में बेचने से मतलब सारा माल इसी देश में बेचना, बाकी जगह बेचना ही नहीं है, तो गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर एज टू आप यहाँ इतना बेचोगे और यहाँ इतना बेचोगे। दैट इज हाउ मच फॉर एंड वेयर टू सेल। ये डिसीजन किसका होना चाहिए? उस ट्रेडर का जो बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट शुड नॉट एंटर। क्लियर? ठीक है ना। और देखो लिखा हुआ है अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है ना, मुझे लगता है मेरे को इस देश में पैसा लगाना है, इस देश में अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है, तो गवर्नमेंट में उसका किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आगे जाए, अब लोग क्यों रो रहे थे लिबरलिज्म लिबरलिज्म लिबरलिज्म? इसलिए क्योंकि लिबरलिज्म नहीं था। व्हाई वर पीपल आस्किंग फॉर इक्वालिटी? व्हाई वर पीपल आस्किंग फॉर फ्रीडम? बिकॉज़ देयर वाज नो फ्रीडम। व्हाई वाज देयर नो फ्रीडम? बिकॉज़ नेपोलियन के बाद भी क्या सबको राइट टू वोट मिला था? नहीं। क्या वुमेन को 1945 तक राइट टू वोट मिला था? नहीं। ठीक है ना, मार्केट्स जो थे वो फ्री नहीं थे, क्योंकि जो 39 फ्रांस की कॉन्फेडरेसीज थी, यानी कि जर्मनी को जब फ्रांस ने एक्वायर करा, देयर वर 39 कॉन्फेडरेसीज। इन 39 कॉन्फेडरेसीज में करेंसी अलग, वेट्स और मेजर्स अलग, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, टैक्सेस अलग, तो आप कैसे कमाओगे? बड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है ना, तो कोई स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर नहीं थे, कोई स्टैंडर्ड रेट्स नहीं थे। तो लिबरलिज्म रिवोल्यूशन के साथ क्या चाह रहा था? कि एक तो क्या करो, ऑटोक्रेसी को खत्म करो, एक बंदे के राज को खत्म करो, क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो चर्च के लोगों को प्रिविलेजेस मिल रही है वो प्रिविलेजेस भी क्या कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, नई कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाओ, मतलब जो बंदे हो वो हमारे द्वारा ही इलेक्टेड हो। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, बता दिया ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है, और मार्केट्स क्या हो, फ्री हो। ठीक है ना, inviolability of private property, मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मैं private property खरीदूंगी, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आ रही है क्या बात समझ में? देख कहानी क्या है, पहले वो बता रहे हैं कि फ्रांस सोसाइटी कैसी, तो उन्होंने बताया दो क्लासेस थी, फिर उन्होंने बताया तीसरी क्लास इमर्ज हुई, फिर उन्होंने बताया कि ये जो तीसरी क्लास इमर्ज हुई वो ये सब चाहती थी। ठीक है, अब वो जो क्या चाहती थी वो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया वो ये सब क्यों चाहती थी, तो वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है ना, और इवेंचुअली इन्होंने रिवॉल्यूशन क्यों करी, उन्हीं बातों के लिए जिसके लिए वो। तो ये तीनों जो पैराग्राफ्स है ये बहुत ओवरलैपिंग क्यों है, क्योंकि पहले उन्होंने बताया ये मिडिल क्लास की सोच थी,
सेकंड बताया कि क्यों थी, बिकॉज अभी तक इतनी रेवोल्यूशन होने के बाद भी सोचो 1789 से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, 1815 तक लोगों को अभी तक राइट्स नहीं मिले, मतलब 20 25 30 साल तो निकल गए बेचारों के जीवन के, मतलब समझ रहे हो, मैं बूढ़ी हो गई उसके बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, राइट right. तो अच्छा लोग ऐसे नहीं सोचते, लोग कौन सोचते, जो लोग पैसा कमा रहे हैं कि अगर ये सब ना होता तो अभी हम तो इसलिए और ज्यादा क्या होता है लोगों के अंदर आउटबर्स्ट होता है कि नहीं, आग जलती है अंदर से, एंजल के अंदर, तो वैसी वाली कहानी। और फिर हमने बताया इसलिए जो रेवोल्यूशन हुई दैट फोकस ऑन द सेम, आ रही है क्या बात समझ में, इसलिए तीनों चीजें क्या है ओवरलैपिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है जीवन में सब कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा भी हुआ, जैसे कि कौन था जोलेवेरी ने कस्टिन यूनियन दी, जो किसने कब बनी थी 1834 में, किसके इनिशिएटिव से, प्रूशिया, जिसने बोला कि हम लोग आपस में टैरिफ बैरियर्स नहीं रखेंगे, मतलब हम लोग जो है कस्टम यूनियन से, जो हम लोग कितने स्टेट्स हैं आपस में, ठीक है, हम लोग आपस में एक दूसरे से टैक्सेस नहीं लेंगे, मतलब अगर इस स्टेट से इस स्टेट पर गुड्स जा रहा है इस स्टेट से, तो ना टैक्स लगेगा ना कैपिटल लगेगा, आपको जितना जहां बेचना है बेच दो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उन्होंने नंबर ऑफ करेंसीज 30 से रिड्यूस करके कितनी कर दी, इज दैट क्लियर, सो दे रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 टू 2, इज इट क्लियर। क्या जोलेवेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में वन मार्कर्स के पॉइंट्स आता है, पहला कि कस्टम यूनियन था, बच्चों को पता नहीं होता क्या था, तो क्या था ये अपने आप में कस्टम्स यूनियन, दूसरी बात ये कब बना था 1834 में बना था, तीसरी बात किसके इनिशिएटिव से बना था, क्रूशिया, इसने कितनी करेंसीज को रिड्यूस करके कितनी पे ले आया था 30 से लेके 2 तक, इज दैट क्लियर। अब आते हैं अगली कहानी पे, दैट इज कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना। कंजर्वेटिज्म क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिज्म होता है क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट। सुनो कंजर्वेटिज्म की कहानी कब आई, जब नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया 1815 के बाद, 1815 के बाद। सुनो कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो बोलते हैं चेंज मत लाओ, क्या बोलते हैं चेंज मत लाओ, कब तक, जब तक मर नहीं रहे, अनलेस द चेंज इज वेरी नेसेसरी, जब तक लोग घर से निकल नहीं गए हैं किसके लिए, मरने और मारने के लिए, जब तक लोग इस एक्सटेंट तक डिससैटिस्फाइड नहीं है, तब तक आप पुरानी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि चर्च को जितनी इज्जत मिलती है, जो टैक्सेस मिलते हैं, जो प्रिविलेजेस मिलती है, दो नोबिलिटी को दो, कब तक, जब तक बहुत बुरी हालत नहीं आ रही है। मतलब उन्होंने चाहते थे कि नेपोलियन जो जो चेंजेस लाए उन सबको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दे लोगों को, है ना, मार्केट्स को फ्री नहीं रखे, मोनार्की को वापस पावर में ले, आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली दे वर टेलिंग कि हम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे और प्रमोट करेंगे, जो भी मॉडर्न चेंजेस नेपोलियन आया था उन सबको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव रिजेंट्स कैसे थी, ऑटोक्रेटिक, वापस से एक बंदे का रूल होगा, टू इनटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, इवन इफ यू आर डिससैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, आप कुछ बोलोगे क्या, नहीं, आपको गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है, आपको किसी तरीके से डिससैटिस्फैक्शन की शो नहीं करना है, ठीक है ना। सेंसरशिप ऑफ प्रेस, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी छापोगे, कुछ भी लिखोगे गवर्नमेंट से, और discouraged any question that question their legitimacy, जायज। आपको किसने राजा बना दिया, कोई नहीं बोलेगा, क्यों, आप डिजर्व ही नहीं करते हो, लेजिटिमेसी समझते हो ये जायज है कि नहीं। अब मानो मैं मुंह उठा के किसको राजा बना देती हूँ यहाँ का, मारिया को, तो लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी, ये तो खुद ही फुदकती रहती है, क्लास को क्या कंट्रोल करेगी, आ रही है ये बात समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब, हाँ एंजल को बना दो, देखो क्या बोल रहे हैं, तो आ जाएंगे मेरे पे क्वेश्चन करने, क्या कि क्यों बना दिया इसको, मैं बोलूंगी अरे ये तो नेता है, और बोलेंगे नहीं 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 ये नेता आधे दिन आती नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ, सच में स्टोरी है, हाँ जरूर बनेंगे, पर अभी तुम में से किसी को बनाने का नहीं है। मुद्दा क्या है, तुम्हारी लेजिटिमेसी को कोई क्वेश्चन करेगा क्या, नहीं, वो दीदी की फेवरेट है, दीदी उसको अडॉप्ट करने वाली है, तो बना दिया राजा,
आर्य के बात नहीं, कोई पूछने का राइट है क्या किसी को? नहीं। ये इस तरह की गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि आप गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे निकुंज अभी बैठ के ड्रॉइंग बना रहा है तो कोई मत पूछो कि क्यों बना रहा है, कैसे बना, मेरी मर्जी, बनाऊंगा नहीं बनना है। आर्य के बात समझ में क्लियर? सुनो क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, आने वाला है। कांग्रेस ऑफ वियना और सिविल कोड, यानी कि नेपोलियनिक कोड ऑफ 1815, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। सुनो कांग्रेस ऑफ वियना क्यों बनी थी? सुनो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंजर्वेटिव ना, कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे कि जब नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हो गया, हार गया, तो नेपोलियन जो भी चीजें लाया था उन सबको क्या करना था, रिवर्स। अब सुनो कांग्रेस ऑफ वियना भी कब आई, After Napoleon हारा बैटल ऑफ, after Napoleon lost battle of Waterloo, अब वो हार गया। Napoleon के under फ्रांस ने जितना expansion किया था, ये देश भी हमारा, ये देश भी हमारा, ये देश भी हमारा, ये सारे देश ही हमारे, सबको free नहीं करा, सब तो किसको दे दिया, उन लोगों को दे दिया जिन्होंने Napoleon को battle of Waterloo में हराया था, आया, या जिनके support से Napoleon battle of Waterloo में हारा था। देखो सबसे पहले फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर टू पावर, बर्बन डायनेस्टी को वापस पावर मिले है, बर्बन डायनेस्टी पावर से हट गई थी क्या, हाँ ठीक है ना। सेकंड, फ्रांस वाज डिस्पोज्ड ऑफ इट्स कॉन्कर्ड टेरिटरीज, मतलब नेपोलियन के अंडर फ्रांस ने जितने देशों पे राज किया था, देश भी बोलना चाहिए, जितने स्टेट्स पे राज किया था वो सारे स्टेट्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया गया, फ्री नहीं करा, पता है उनको फ्रांस से क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि अब आप फ्रांस के बाद नहीं। किंगडम ऑफ नीदरलैंड कहाँ बना, फ्रांस के नॉर्थ में, विच इंक्लूडेड बेल्जियम। अभी हम लोग आगे देखेंगे बेल्जियम नीदरलैंड का एक पार्ट था, बाद में इवन बेल्जियम ब्रोक ऑफ फ्रॉम नीदरलैंड, बोला अलग देश आ रही है बात समझ में, क्लियर। सो किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाज फॉर्मड, विच इंक्लूडेड बेल्जियम, वाज फॉर्मड इन द नॉर्थ। साउथ में कौन बना दिया, जिनोवा, साउथ में कौन बना दिया, जिनोवा, ताकि ना वो नॉर्थ में एक्सपांड कर पाए और ना ही वो साउथ में एक्सपांड कर पाए, ठीक है ना। प्रूशिया वाज अ पार्ट ऑफ द वॉर, प्रूशिया ने भी नेपोलियन को हराने में मदद करी थी, इसलिए उसको बहुत सारी नई टेरिटरीज दी गई इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। ऑस्ट्रिया वाज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द वॉर, उसको क्या दे दिया, नॉर्दर्न इटली का पूरा कंट्रोल दे दिया। रशिया को क्या दिया, पूरा की पूरा पोलैंड, नेपोलियन की जर्मन कॉन्फेडरेसी जो थी 39 स्टेट्स की उसको चेंज नहीं किया गया। क्या ये इम्पोर्टेंट है, हाँ। क्या ये आने वाला है, हाँ। क्या ये आसान है, हाँ मैं बोलूंगी। पहला, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, फ्रांस वाज डिस्पोज्ड ऑफ इट्स कॉन्कर्ड टेरिटरीज, ठीक है। किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज फॉर्मड इन द नॉर्थ, Genoa was formed in south to prevent the expansion of France, कहाँ पर, north or south में, ठीक है। Prussia was given new territories including a portion of Kingdom of Saxony, Austria को northern Italy, Russia को Poland, and Napoleon's confederation of 39 states was not changed. Is that clear? बोलो कोई परेशानी, रुक जाए, चलो इधर देख पड़ा। प्रैक्टिस कर दी, इसका मतलब आप अपनी इच्छा का कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हारी क्लास में भी ऐसा होता है कि आप अपनी इच्छा का नहीं कर पाते, तो आप पहला काम क्या करते हो, बंदों को भड़काना स्टार्ट करते हो, शांति चैन होती है क्या, कि चल अपन रिवॉल्ट करेंगे, चल अपन रिवॉल्ट करेंगे, फिर आप प्लानिंग कर दो कि अपन रिवॉल्ट ऐसे करेंगे, ठीक है ना, जैसे भी करोगे। तो बेसिकली जो रिवॉल्यूशनरीज थे इनको लगा था ये जितनी भी कंजर्वेटिव एजेंट थे इनको हमें अपोज को करना है। अब हम इसे अपोज कैसे करेंगे, हम अकेले जाके खड़े हो जाएंगे तो गोली खाएंगे, ऐसे हम भीड़ इकट्ठी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहली बात अवेयरनेस जनरेट करेंगे लोगों में, क्या ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये, उसके बाद सही सही दो में डूब जा, उसके बाद सही कैसे करना है, बंदों को ट्रेन करके, ठीक है ना, कि मैं रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन कर रही हूँ, अपने आइडिया समझा रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि कांग्रेस ऑफ वियना के बाद जितनी भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई वो सारी क्या है, बुरी है। हमको किसके अगेंस्ट लड़ना है, हमको ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट लड़ना है,
हम लोग को लिबर्टी मांगनी है, हम लोग को फ्रीडम मांगनी है, ठीक है ना। नेशन स्टेट पे क्या करना है, एम्फेसिस करना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि बंदे क्या होने चाहिए, ट्रेन होने चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट के पास क्या करते हो, राजा के पास अपनी डिमांड लेके जाते हो, तो राजा बोलता है ये क्यों चाहिए तुमको, तो पता है खुद को भी नहीं पता होगा क्यों चाहिए। तो इट वॉज इम्पोर्टेंट कि जो मैसेज है किसका, रेवोल्यूशनरीज का, किस चीज को लेकर, फ्रीडम को लेकर, लिबर्टी को लेकर, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी। हाँ एंजल बोल बेटा, कौन था इटालियन रेवोल्यूशनरी का, कब बॉर्न हुआ था, 1807 में, ठीक है ना। ये किसका मेंबर बना, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी, ठीक है ना। 1831 में इसको एक्साइल देश निकाला कर दिया था, क्यों, क्योंकि ये लुगेरिया में अफसर्स प्लान कर रहा था। इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, एक या इटली और एक या यूरोप, या इटली मार्सिलीज की थी, यंग यूरोप बनने के लिए, ठीक है ना। इसकी इच्छा क्या थी कि ये इटली को क्या करे, यूनाइट करते इनटू अ रिपब्लिक, ठीक है ना। इसको मोस्ट वॉसिफेरस, वॉसिफेरस मतलब होता है खतरनाक, और ही वाज द मोस्ट वॉसिफेरस एनिमी ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और मेटर्निक ने इसको क्या डिस्क्राइब किया था, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इज दैट क्लियर। अब सुनो, यहां से हम लोग सीधे कहां जंप कर रहे हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे। चलो ध्यान से सुनना, इटली की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्या था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था। कितने स्टेट में डिवाइडेड था ये, सेवन। कितने स्टेट में डिवाइडेड था, पहला कौन था, सर्विनिया फिलिमोन, जिसको हम लोग कहते हैं इटालियन प्रिंसली हाउस। क्या कहते हैं, सर्विनिया फिलिमोन इटालियन प्रिंसली हाउस, ठीक है ना। जो नॉर्थ था, जो नॉर्थ था वो किसके अंदर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। नॉर्थ किसके अंदर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सेंटर किसके अंदर था, पोप। सेंटर किसके अंदर था, पोप। और साउथ किसके अंदर था, बर्बर किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है ना। यानी कि इटली के जो सबसे मेन था वो कौन था, इटालियन प्रिंसली हाउस, जिसका नाम क्या था, सर्विनिया फिलिमोन। सबसे पहला कौन था, इटालियन प्रिंसली हाउस, सर्विनिया फिलिमोन। नॉर्थ किसके अंदर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। नॉर्थ किसके अंदर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। और ये स्टेबल नहीं थी, ठीक है ना। अब सुनो थोड़ी कहानी रिपीट होगी किसकी, म्यूजिक पे मजीद देंगी। इसने प्रोग्राम स्टार्ट किया कहां पर, इटली को यूनाइट करने का, ठीक है ना। इसने सीक्रेट सोसाइटीज ही बनाई, हमने पढ़ ली दो, और दूसरी जल्दी, क्योंकि ये दो बार फेल हो गया तो किंग विक्टर इमैनुअल को लगा क्या कि अब मैं कोशिश करता हूँ किसको, इटालियन स्टेट को यूनिफाई करने का। इसका चीफ मिनिस्टर था काउंट डी केवल, चीफ मिनिस्टर था कौन, काउंट डी केवर, और इसने मूवमेंट लॉन्च किया फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसने क्या करा, मूवमेंट लॉन्च किया फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। तो ठीक है, तो 1859 में सर्विनिया फिलिमोन ने फ्रांस के साथ अलायंस करी। फ्रांस के साथ अलायंस करके इसने किसको हटा दिया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, मतलब वो जो नॉर्थ वाला पार्ट था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग वाला, वो अब किसका हो गया, मेन लाइन इटली, यानी कि सर्डिनिया पीडमोंट का पार्ट हो गया, दैट इज इटालियन प्रिंसली हाउस का, ठीक है ना। इन सबको देख के ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी ने भी क्या करा, मूवमेंट ज्वाइन किया। 1860 में ये साउथ इटली गए, और साउथ इटली से किसको हटा दिया, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को हटा दिया। सेंटर तो बेचारा गरीब था, पोप के अंदर था, ठीक है ना। तो इस तरीके से नॉर्थ इनके अंदर हो गया, पीडमोंट मेन हाउस था, साउथ इनके अंदर होगा और सेंटर भी इनके अंदर होगा, यानी कि इटली क्या हो गया, यूनिफाइड नेशन हो गया 1861।
किंग विक्टर इमानुएल को क्या डिक्लेयर कर दिया, किंग ऑफ इटली, रोम का क्या कर दिया उसका कैपिटल। आ रही है क्या बात समझ में, बोलो कोई परेशानी। अपसर्ज मतलब होता है लोग, ठीक है। ग्रीस किसका पार्ट था, ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर प्राइमरी टर्किश एम्पायर को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओटोमन एम्पायर किस, ग्रीक किसका पार्ट था, ओटोमन एम्पायर का, ठीक है ना। क्योंकि फ्रांस में क्या हुआ, नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या पता, फ्रांस सीजेस द एंटायर यूरोप, दैट इज कॉल्ड फ्रांस ने सीजा पूरे यूरोप को उसका होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फ्रांस में अगर रेवोल्यूशन हुई तो ठीक है। तो ग्रीक का जो स्ट्रगल है वो तभी स्टार्ट हुआ जब उन्होंने कहा बाकी यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही है, खुद को आजाद करवा रही है या मोनार्की से फ्री हो रही है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ, 1821 में। ग्रीस को किसका सपोर्ट मिला, सारी की सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज वो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो ग्रीक कल्चर को लेके बड़े सिंपैथेटिक थे, उनको लगता था ये बहुत अच्छा कल्चर है। और ओटोमन एम्पायर की आने की वजह से ये पूरा घूम गया, जैसे इंडियन कल्चर ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ओवर शैडो हो गया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगा था क्या कि जो एंशियंट ग्रीक कल्चर है वो बहुत अच्छा है और वो ओटोमन एम्पायर की शैडो के अंदर दब गया है। आ रही बात समझ में। तो पोएट एंड आर्टिस्ट हु वर इंस्पायर्ड बाय एंशियंट ग्रीक कल्चर लिटरेचर आल्सो सपोर्टेड द रेवोल्यूशन। एक एग्जांपल दिया किसका, लॉर्ड बायरन का, ये एक फेमस इंग्लिश पोएट था, ठीक है। तो इन दोनों में इन्होंने 1821 में अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, कौन सी ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिन्होंने बोला कि जो ग्रीस है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इज दैट क्लियर, बोलो क्या बेटा।